Subscribe and press the bell icon for latest update. जब भी सर्दी का मौसम आता है तो लोगों में बुखार, खांसी और जुखाम जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ गया तो कई दिनों तक स्कूल दफ्तर से छुट्टी का होना आम बात सी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें बुखार आता क्यों है, इसके आने के मुख्य कारण क्या होते हैं? बुखार के समय अपने आप पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। दरअसल बुखार आना एक चेतावनी है कि आपके अंदर कोई बीमारी पनप रही है और साथ ही आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, जिसके कारण सर्दी और बदन दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। ऐसे में हमारा शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है और रात में बुखार आने के कई कारण हो सकते हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुखार आने के कारणों के बारे में। तो आइए जानते हैं। नंबर एक, एलर्जी। बुखार आने के यूं तो बहुत से कारण हो सकते हैं, खान पान से लेकर हवा तक इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसके अलावा किसी से भी दवा आपको एलर्जी हो सकती है। बुखार के साथ शरीर में ललिमा और सूजन हो जाती है, ऐसे में तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर दो, इन्फेक्शन। अक्सर देखा जाता है कि बाहर का खाना खाने से भी गले में इन्फेक्शन और दर्द होने लगता है। अगर ये बच्चों में होता है तो उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उनको तुरंत बुखार हो जाता है। बड़ों में ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चों को बिना दवाई के ठीक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। नंबर तीन, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के कारण भी कई बार बुखार हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन शरीर के तापमान को सामान्य रखता है। वहीं खराब ब्लड सर्कुलेशन तापमान को कम कर देता है, जिससे बुखार होता है और साथ ही हाथ और पैर ठंडे होने लगते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बुखार आने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। बुखार आने से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता चलता है, साथ ही बुखार के समय प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके साथ ही बुखार में बढ़ने वाला तापमान भी लाभकारी होता है। बुखार के दौरान अगर आपके शरीर का तापमान बढ़ गया है तो इस दौरान शरीर में मौजूद कीटाणुओं में भी कमी आती है, साथ ही कीटाणु और विषाणु अपने आप को बढ़ा नहीं पाते। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए ये टिप्स आयुर्वेद और नेचर से जुड़े हैं। क्योरेन ही आयुर्वेद है, इसीलिए क्योरेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।